दोस्तों मैं आज बनाने जा रही हूँ लाखों की इसकी चटनी। गांव में इसको बोलते हैं भुट्टी का चोखा। तो मैं पहले से मसाला तैयार करके रखी हूँ, धनिया, कांदा, हरा मिर्च, लहसुन, अदरक। तो इससे पहले मैं भुट्टी को भूज लेती हूँ, डाकू इसको भूज लेती हूँ। तो अभी गैस जलाने जा रही हूँ, इससे मैं भूजूँगी। तो चिमटा से पकड़ के मैं चारों तरफ भूज लेती हूँ। अच्छी तरह से भूजा जाएगा। चारों तरफ से पलटी करके पकाने का, उसको भूजने का, तब पकेगा। तो अभी मैं मच्छी पका ली, इसको भूज ली। तो मैं तवा रख के मसाले को भूज लेती हूँ। अच्छी तरह से भुजा गया है, मैं इसको निकालने जा रही हूँ। ये चोखा बनाने के लिए तैयार है। तो अभी इसका मैं काटा निकाल रही हूँ और मिक्सर में थोड़ा घुमा दूंगी। तो इसका चटनी या चोखा बन जाएगा। तो निकल जा रहा है, अच्छे से भुजा गया तो ये निकल जा रहा है। इसमें एक ही काटा रहता है और निकल जाएगा। तो अभी देखती हूँ। तो अभी ये देखो, मिक्सर में घुमा दी तो चटनी हो गया, चोखा हो गया। ये भुट्टी का चोखा या डाकू फिश की चटनी। तो अभी जा रही गैस जलाने, थोड़ा से इसको भूज लेती हूँ तेल डाल के। अभी तेल गरम हो रहा
तो जीरा डालो, जीरा का तड़का देने का खुशबू और अच्छी आएगी। और भूज लेने का, तो जो सूखा है उसको भूज लेने का। ऐसे ही भूज देने का, ये भूजा जाएगा। Yeah.